कोरोना समयनी अंदर सतत 1.5 वर्षथी विद्यार्थियों घरे हता, साथे साथे शिक्षकों पण घरे हता। हवे शिक्षक ने भण्या वगर चाले ना, अने विद्यार्थियों ने पण भण्या वगर न चाले। तो आ संजोगोनी अंदर मैं मारा पर्सनल यूट्यूब चैनल पर लगभग 200 ऊपर धोरण 11 अने 12 विज्ञान प्रवाहना वीडियो बनाव्या, जेना कारणे समग्र गुजरातना विद्यार्थियों ने लाभ मळ्यो। एना अनुसंधान में आजनो युग एटले डिजिटल युग, तो आपणुं पाठ्यपुस्तक पण डिजिटल ज होवुं जोईए। तो सरकारश्रीए आ वीडियोनी नोंध लीधी अने मने कह्युं के आ आपणे दीक्षा पोर्टल पर डिजिटल पाठ्यपुस्तक बनावुं छे, आप बनावी शकशो। तो मैं कोरोना समयनी अंदर आ समयनो उपयोग कर्यो अने सतत 2 मास सुधी मने जे चेप्टरनी फाळवणी करवामां आवी हती, 3+3 6 चेप्टर मैं पाठ्यपुस्तकनी अंदर डिजिटल बनाव्या छे। राज्य सरकारे धोरण 11 अने 12 विज्ञान प्रवाहना नवा डिजिटल पुस्तकों काढ़िया है, जेमा QR कोड हो जो अपने कोई बाहर जाइए का तो कोई रजा हो स्कूल में अथवा अपने कोई मुद्दा में कठिनाई लगती हो अघरू हो तो त्यारे ते आपणे पुस्तकोनी ऊपर आपेला होय छे, जे तमाम चेप्टर्स में होय छे। जो आपणे तेने फोन थी स्कैन करीए तो तेना चेप्टर्स ओपन थाय छे अने तेमना वीडियो जोईने सरळताथी खबर पड़ी जाय छे आपणने। અમારી સંસ્થાના હોશિયાર કંઈક કરી છૂટવાની તમન્નાવાળા શિક્ષક શ્રી ડૉક્ટર મનીષભાઈ પંડ્યાએ આ QR કોડમાં જે વિડીયો બનાવવામાં આવેલા છે તે NCERT દ્વારા તે માન્ય થયેલ છે અને તેમણે બહુ જ સરસ કામ કરેલ છે। ધોરણ 11-12ના જે પાઠ્યપુસ્તકો છે એ ડિજિટલ પાઠ્યપુસ્તકો છે, એમાં જે QR કોડ આપેલા છે જે સ્કેન કરવાના એ અમારા શાળાના શિક્ષક ડૉક્ટર મનીષ પંડ્યાએ એમાં આપેલા છે પાઠને, પછી એમાં જે QR કોડ છે ને એના લીધે અમે અમારા સ્કૂલના મતલબ સ્કૂલમાં કોઈ દિવસ રજા હોય યા ફિર અમે કોઈ બહાર ગયા હોય એવું હોય તો પછી અમે એ QR કોડના લીધે ઘરે બેસીને બી ફોનમાં લેક્ચર્સ જોઈ શકીએ છીએ અને અમે ઇઝીલી ભણી શકીએ છીએ।